हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रिनेगेड इमोर्टल का बिल्कुल लेटेस्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जीवी जबरदस्ती मिस लिमुआर के साथ शादी करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वांगलिंग ने सिर्फ एक ही झटके में जीवी की जान ले ली थी। जबकि साथ ही साथ वांगलिंग अकेले ही पूरे के पूरे यूनटियान सेक्ट से भिड़ गया था और आखिरकार वो जीत भी जाता है। इवन के तब के टाइम उसने पूरे नेंशियन सोल लेवल की पावर भी अचीव नहीं की थी, जो कि बाद में वो 10 दिन तक लगातार कल्टीवेशन करते हुए हासिल कर लेता है। इसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि मिस लिमुआर वांगलिंग के साथ जाओ कंट्री जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो वांगलिंग पर बर्डन नहीं बनना चाहती, बल्कि वो उल्टा पीछे की तरफ रहते हुए यूनटियान सेक्ट की न्यू लीडर बन गई थी। जिसके बाद वांगलिंग यहाँ टैंग फैमिली से बदला लेने के लिए जाओ कंट्री की तरफ रवाना हो गया। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को सबसे पहले यहाँ डेवल कल्टीवेटर सी कंट्री के बारे में बताया जाता है। दोस्तों, ये वही कंट्री है जहाँ पर पहली दफा वांगलिंग मिस लिमुआर को लेकर इस कंट्री में आया था, और यहाँ पर ही वांगलिंग ने पहली दफा हेमली डेलपिल को एब्जॉर्ब किया था, जिसकी वजह से वो कोर फॉर्मेशन में ब्रेक थ्रू कर पाया। अगर सिंपली आप लोगों को याद दिलवाओ तो ये वही कंट्री है जहाँ वांगलिंग पर 100 डेज एग्जीक्यूशन ऑर्डर लग गया था, यानी कि 100 दिन तक लगातार कई सारे कल्टीवेटर्स ने उसकी जान लेने की कोशिश की, पर वांगलिंग ने सक्सेसफुली उस 100 डेज किलिंग ऑर्डर को सर्वाइव कर लिया था। अब चूंकि वांगलिंग कई 100 साल तक वापस इस कंट्री में नहीं आया, तो यहाँ पर कई सारी चीजें बदल चुकी है, क्योंकि यहाँ पर एक हेमली डिजास्टर हुआ था जिसकी वजह से नीचे मौजूद जितना भी फोग था वो सारा के सारा एवेपोरेट हो गया। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर ब्लैक कलर की रेन होना शुरू हो गई, जो बारिश किसी तेजाब की तरह थी। जिस भी कल्टीवेटर की बॉडी पर ये बारिश गिर जाए वो बीमार हो जाता था, जबकि साथ ही इस काली बारिश का असर जानवरों पर थोड़ा सा अलग हो गया, वो पूरी तरीके से म्यूटेटेड हो गई। इसके बाद उनके सामने जो भी कल्टीवेटर आता वो उस पर हमला करते उसे जान से मार डालते। इन सब चीजों की वजह से डेवल कल्टीवेटर सी कंट्री पूरी तरीके से डिजास्टर में बदल गया। इस जगह को लोग डीमन कल्टीवेटर सी के नाम से जानते हैं। वांगलिंग भी इतने सालों बाद इस डेवल कल्टीवेटर सी में आकर काफी जरा हैरान था, उसने इन सब चीजों की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। लेकिन अगर वांगलिंग को जाओ कंट्री में जाना है तो उसे डेवल कल्टीवेटर सी के अंदर से तो गुजरना ही होगा, और ये डेवल कल्टीवेटर सी तो काफी बड़ी कंट्री थी। वांगलिंग अपने मन में सोच रहा था कि अगर वो इस पूरी कंट्री को पार करेगा तो उसे कई हफ्ते महीने तक लग सकते हैं, या फिर इवन साल, जितना वक्त वांगलिंग के पास नहीं है। इसलिए वो अपने मन में सोच रहा था कि उसे किसी तरह के टेलीपोर्टेशन अरे को ढूंढना होगा ताकि वो यहाँ से जल्द निकल सके। ये टेलीपोर्टेशन अरे वाला रास्ता आसान और साथ ही साथ सेफ भी होगा। वांगलिंग ये सब सोचते हुए ब्लैक मार्केट की तरफ रवाना हो जाता है ताकि वो इस टेलीपोर्टेशन अरे का मैप ढूंढ सके। रास्ते में आगे की तरफ दूर हम लोग मास्टर कियो को भी देखते हैं, जो कि अपने साथ 2 डिसाइपल्स को बहला पुलसलाकर यहाँ पर लाया हुआ था। वो इन लोगों के सामने ये शो कर रहा था कि वो कमजोर है और उसे इन दोनों की मदद चाहिए, क्योंकि ये दोनों कोर फॉर्मेशन के पीक पर थे। ये दोनों भी उसकी बातों में आकर खुद को ताकतवर समझते कि गलत फहमी कर चुके थे। मास्टर कियो इन दोनों को बताता है कि तुम उस सामने स्कॉर्पियन बीस्ट को देख पा रहे हो, मैं इस पर पिछले 1 महीने से नजर रख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इसको मेरे लिए जान से मार डालो। जो सुनकर वो दोनों डिसाइपल कहते हैं कि हाँ, हम दोनों अपने कोर फॉर्मेशन की पीक पर है जबकि तुम मिडिल लेवल पर हो, इसलिए इसे मारना हम दोनों के लिए आसान होगा। ये कहने के बाद वो दोनों फौरन स्कॉर्पियन बीस्ट को मारने के लिए नीचे की तरफ जंप कर देते हैं, जबकि ऊपर की तरफ मास्टर कियो अपने मन में सोच रहे थे कि तुम दोनों तो एक नंबर की बेवकूफ निकले। क्या तुम दोनों को सच में लगता है कि मैं इतना जरा कमजोर होऊंगा? मैं एंशियंट सोल लेवल का वॉरियर हूँ, एक बार मेरा मकसद पूरा हो जाए उसके बाद मैं तुम दोनों की भी जान ले लूंगा। यहाँ यही बातें करते हुए अचानक से मास्टर कियो को वांगलिंग की याद आ गई थी। वो कह रहा था कि मैंने तो सोल को एब्जॉर्ब करके खुद को एंशियंट सोल लेवल में पहुंचा दिया, आखिर वांगलिंग की क्या सिचुएशन होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुद के एंशियंट सोल लेवल में पहुंचने से फेल हो गया? नीचे की तरफ हम देखते हैं कि ये दोनों वॉरियर्स जो कि पॉइजन डिमोनिक सेक्ट से है, इन दोनों के पास ही काफी अच्छे अच्छे पॉइजन थे जिसे मिक्स करते हुए ये लोग अपने फ्लाइंग डैगर पर लगा देते हैं ताकि ये लोग उसका इस्तेमाल करते हुए इस बीस्ट को जान से मार सके। ऊपर से ब्रदर कियो ये सब देख रहा था, जबकि तभी अचानक पीछे से वहाँ वांगलिंग भी आ जाता है जिसने कियो की एनर्जी को महसूस कर लिया, इसलिए वो सरप्राइज होते हुए कहता है कि ये तो मेरा पुराना दोस्त है। नीचे की तरफ हम देखते हैं कि उन दोनों डिसाइपल्स ने अपने डैगर का इस्तेमाल करते हुए बीस्ट पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वो स्कॉर्पियन बीस्ट तो इन लोगों की उम्मीद से काफी जरा खतरनाक निकला, क्योंकि वो आसानी के साथ उस डैगर को तोड़ते हुए साथ ही इनकी तरफ बढ़ना शुरू हो गया ताकि वो इन्हें जान से मार सके। ये दोनों भी उसके अचानक रिएक्शन से काफी शॉक हो गए थे और इन्हें मूव करने का वक्त नहीं मिला। यहाँ वो स्कॉर्पियन बीस्ट इन पर हमला करते हुए इन्हें जान से मारने ही वाला था, पर तभी अचानक वहाँ पर उसे एक एनर्जी की लहर महसूस हुई, जिसे महसूस करते साथ ही वो स्कॉर्पियन बीस्ट तो काफी जरा घबरा चुका था। वो समझ गया कि पीछे की तरफ से कोई बहुत ही जरा खतरनाक कल्टीवेटर आ रहा है और
और इसी वजह से वो डर के मारे फौरन जमीन के अंदर घुस गया। इवन की मास्टर क्यू भी उस एनर्जी को महसूस करके कहता है कि आखिर ये टेरिफाइंग डिवाइन कॉन्शियसनेस किसकी थी, कहीं ऐसा तो नहीं कोई सोल फॉर्मेशन लेवल का मॉन्स्टर हमारी तरफ आ रहा हो। यहाँ वो ये बातें सोच रहा था तभी अचानक वांगलिंग मास्टर क्यू का नाम लेते हुए कहता है कि क्यू काफी वक्त हो गया एक दूसरे से मिले हुए। क्यू चूंकि नहीं जानता था कि आखिर वो किससे बात कर रहा है इसलिए वो हाथ जोड़ते हुए कहता है कि सीनियर क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर आप मुझे कैसे पहचानते हो और आखिर आप हो कौन। तभी अचानक हम देखते हैं कि वांगलिंग तेजी के साथ मास्टर क्यू के सामने आ गया। वांगलिंग को अचानक से देखकर तो मास्टर क्यू को शॉक लगता है और वो सरप्राइज होते हुए कहता है कि ये तो तुम हो। दूसरी तरफ वांगलिंग यहाँ ब्रदर क्यू से कहता है कि वाओ तुम तो मुझे देखकर एक्साइटेड हो गए लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम एंशिएंट सोल लेवल पर होने के बावजूद भी इन दो जूनियर्स के साथ क्यों घूम रहे हो। वांगलिंग की ये बात सुनकर उन दोनों जूनियर्स को समझ आ जाता है कि ये आदमी हमें बेवकूफ बना रहा था, असल में ये एंशिएंट सोल लेवल का वॉरियर है और अगर हम दोनों ने गलती से मिलकर उस बीस्ट को जान से मार भी दिया होता तो ये आसानी के साथ उसे हमसे छीन कर हमारा किस्सा भी खत्म कर सकता था। ये बातें जैसे ही उन दोनों जूनियर्स को समझ आती है वो लोग फौरन से वांगलिंग का शुक्रिया अदा करके वहाँ से अपनी जान बचाकर रवाना हो गए, जो देखकर तो ब्रदर की वो फौरन अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए उन दोनों को जान से मारने की कोशिश करता है क्योंकि वो इन्हें जिंदा यहाँ से जाने नहीं दे सकता। लेकिन वांगलिंग इन्हें तेजी के साथ मूव करते हुए अपने डेथ स्पेल का इस्तेमाल करके आसानी के साथ उन दोनों की जान एक बार फिर से बचा ली और साथ ही साथ वो यहाँ पर क्यू पे एहसान जताते हुए कहता है कि इस बार तो मैंने तुम्हारी जान बचा ली। क्या तुम जानते भी हो कि वो दोनों डिसाइपल पॉइजन डीमन सेट के हैं, अगर वो दोनों मारे गए तो तुम्हें यहाँ पर कोई भी रहने नहीं देगा। जो सुनकर क्यू अपने मन में सोचता है कि हाँ ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ, अगर उन दोनों में से कोई भी एक जिंदा वापस अपने सेट चला गया तो वो अपने एल्डर्स को मेरे बारे में बता देगा, उसके बाद मैं इस पूरे डिमोनिक सी कॉन्टिनेंट में कभी भी शांति के साथ नहीं रह पाऊंगा। दूसरी तरफ वांगलिंग यहाँ पर ब्रदर क्यू से कहता है कि वैसे तुम्हारी रफ्तार अभी भी तेज है, अगर तुम चाहो और अभी उन दोनों का पीछा करो तो तुम आसानी के साथ उन्हें पकड़ सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मुझसे जरा बात करनी होगी। जो सारी बातें सुनकर ब्रदर क्यू वांगलिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि बताओ भाई आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। हम दोनों वैसे इतने अच्छे दोस्त तो नहीं लेकिन एटलीस्ट हम दोनों ने मुश्किलें साथ गुजारी थी इसलिए मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत तो मदद कर ही सकता हूँ। जो सुनकर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि मुझे एंशिएंट टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का लोकेशन चाहिए, अगर तुम मुझे मैप दे सको तो ये मेरे लिए अच्छा होगा। जिस पर ब्रदर क्यू जवाब देते हुए कहता है कि उसका मैप तो मेरे पास नहीं लेकिन तुम मेन सिटी जाकर उसे हासिल कर सकते हो। वांगलिंग भी इतनी आसानी के साथ उसकी बात कहां मानने वाला, वो उल्टा ब्रदर क्यू से कहता है कि फिर तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, लेकिन अगर हम दोनों ऐसा करेंगे फिर तो ये दोनों डिसाइपल तुम्हारे हाथ से चले जाएंगे। अब यहाँ पर ब्रदर क्यू के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा, वो जानता था कि वांगलिंग मुझसे क्या करवाना चाहता है, इसलिए हम देखते हैं कि वो वांगलिंग की चाल में फंसते हुए आखिरकार अपने पास से एक जेड स्लिप निकाल चुका और उसने अपने पिछले कुछ सालों की मेमोरीज लगातार उस जेड स्लिप में डाल दी, जिससे वो वांगलिंग के हवाले करते हुए कहता है कि इसमें तुम्हें एंशिएंट टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की लोकेशन मिल जाएगी, साथ ही साथ तुम यहाँ से मेन सिटी का लोकेशन भी इससे ढूंढ सकते हो। हाँ हो सकता है कि इसमें छोटी मोटी मिस्टेक्स हो लेकिन वो ज्यादा बड़ी नहीं होगी, तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ, क्या मुझे जाने की इजाजत है। जो सुनकर वांगलिंग ने वो जेड स्लिप ले ली थी, साथ ही साथ वो ब्रदर क्यू से कहता है कि हाँ तुम जा सकते हो। ब्रदर क्यू दूसरी तरफ जाने से पहले वांगलिंग से सवाल करके पूछता है कि क्या तुम जेड स्लिप को एक बार चेक नहीं करोगे। जो सुनकर वांगलिंग मुस्कुराकर जवाब देते हुए बोलता है कि क्या मुझे चेक करने की जरूरत है। जो सुनकर क्यू जवाब देकर कहता है कि नहीं नहीं मैं वैसे भी तुम्हारे साथ कोई चलाकी नहीं करना चाहता। ये कहते वो अपनी शिप को लेकर फौरन उन दोनों डिसाइपल्स के पीछे रवाना हो गया ताकि वो जल्द से जल्द उनका किस्सा खत्म कर सके वरना उसके लिए कई सारी मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। पीछे की तरफ वांगलिंग उस जेड स्लिप को अपने पास रखते हुए कहता है कि फिक्र नहीं करो, वैसे भी मैं तुम पर इतना भरोसा नहीं करता, जब तक मुझे दूसरा मैप नहीं मिल जाता तब तक मैं इसे नहीं देखूंगा, एक बार दूसरा मैप मिल जाए फिर मैं दोनों को कंपेयर करके मालूम कर ही लूंगा कि कौन सा असली है कौन सा नकली। ये कहने के बाद वांगलिंग वहां से लियानमो सिटी की तरफ अपना सफर शुरू कर देता है। पूरे 7 दिन तक लगातार सफर करने के बावजूद भी वांगलिंग अभी तक लियानमो सिटी नहीं पहुंचा था। रास्ते में वांगलिंग की मुलाकात कई सारे बीस्ट से हो चुकी थी लेकिन अचानक ही वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसके कोई भी बीस्ट की फुटस्टेप्स नहीं सुनाई दे रहे थे, जो बात तो वांगलिंग को काफी ज्यादा सरप्राइज कर देती है, इसलिए हम देखते हैं कि उसने फौरन अपने व्हाइट टेप को बाहर निकाल लिया था। व्हाइट टेप भी तेजी के साथ आगे की तरफ जंप करते हुए आसपास की जगह को चेक करना शुरू कर देता है, लेकिन अचानक ही उसके पास एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो गया जो कि उसे अंदर की तरफ खींचने लगता है, पर चूंकि उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा थी इसलिए वो आसानी के साथ वहां से बाहर निकलकर तेजी से वांगलिंग के पास वापस आ जाता है। वांगलिंग समझ गया था कि ये पोर्टल किसी बीस्ट ने लगाया होगा ताकि वो अपना शिकार कर सके, इसलिए हम देखते हैं कि उसने अपनी आइस एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उस चट्टान पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से तो वहां पर एक सेकंड ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है जो कि एक सोनिक अटैक था। लेकिन वांगलिंग के सामने ये अटैक भी ज्यादा देर टिक नहीं पाता क्योंकि उसने एक बार फिर से अपनी आइस एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए साथ ही साथ डेथ स्पेल से उसे चकनाचूर कर दिया। ये सब करते साथ ही अचानक उस
चट्टान के अंदर से एक मॉस्किटो मॉन्स्टर तीसी के साथ निकलते हुए यहाँ वांगलिंग पर हमला कर देता है, जिसे वांगलिंग ने साइड पर हटते हुए डॉच कर लिया और वो भी ये देखकर काफी जरा हैरान था, क्योंकि उसके पास एंशियंट गॉड टूसी की मेमोरी थी और एक बार मास्टर टूसी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, जहां पर कई सारे मॉस्किटो मॉन्स्टर ने उस पर हमला करके उसे ऑलमोस्ट मौत तक पहुंचा दिया था। यानी कि ये मॉस्किटो मॉन्स्टर काफी जरा खतरनाक होते हैं। ये सारी बातें सोचकर तो वांगलिंग ने तीसी के साथ उस मॉस्किटो मॉन्स्टर को फॉलो करना शुरू कर दिया, क्योंकि वांगलिंग चाहता है कि वो इस मॉस्किटो मॉन्स्टर को अपना बना ले, जिसके लिए वांगलिंग ने लिनसुआन और मॉस्किटो मॉन्स्टर दोनों को ही फौरन बाहर निकाल लिया और ये तीनों ही मिलकर तीसी के साथ उस मॉस्किटो मॉन्स्टर को फॉलो करना शुरू हो गए। लिनसुआन चूंकि चालाक था, इसलिए वो खुद ही अपनी स्पीड थोड़ी सी कम कर लेता है। वो चाहता था कि पहले ये जायंट एप आगे की तरफ बढ़ते इस मॉस्किटो मॉन्स्टर पर हमला करे, अगर ये मॉस्किटो मॉन्स्टर कमजोर निकला तो मैं मौके का फायदा उठाकर इसे कैप्चर करके अपने पॉइंट्स बना लूंगा। लेकिन व्हाइट एप जैसे ही जंप करके उसे पकड़ने की कोशिश करता है, तभी अचानक हम देखते हैं कि उसने स्पीड अपनी अचानक से बूस्ट कर ली, जो देखकर तो वांगलिंग को अचानक ही झटका लगता है। वो सरप्राइज होते हुए कहता है कि ये मॉस्किटो मॉन्स्टर तो काफी सारा इंटरेस्टिंग है, अब तो ये मुझे चाहिए। दूसरी तरफ लिनसुआन मुस्कुराकर अपने मन में यही सोच रहा था कि अब देखना पड़ेगा कि वांगलिंग आखिर इसे कैसे कैप्चर करता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वांगलिंग ने अपने पास से एक हेवनली आर्टिफैक्ट निकाल लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए उस मॉस्किटो मॉन्स्टर का बिल्कुल एक सेम टू सेम कॉपी क्लोन बना लेता है, जो देखकर तो लिनसुआन हंसते हुए कहता है कि वाओ मास्टर, तुम तो कमाल के हो, तुमने उसको उसी से भिड़वा दिया। पर दूसरी तरफ फाइट के दौरान हम देखते हैं कि वो मॉस्किटो मॉन्स्टर तीसी के साथ टेलीपोर्ट होते हुए क्लोन के पीछे आ गया और वो यहाँ अपनी नीडल का इस्तेमाल करते हुए उसे बीच में से छीट देता है, जिसे देखकर तो वांगलिंग सरप्राइज होते हुए कहता है कि इसका माउथ किसी वेपन की तरह है, ये तो एक किलिंग मशीन है। लेकिन चूंकि अब वो फाइट करने के लिए थोड़ा सा रुक गया था, इसलिए हम देखते हैं कि इसी मौके का फायदा उठाकर वांगलिंग ने फौरन अपने फोर्बिडन फ्लैग को बाहर निकाल लिया, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो आसानी के साथ इस मॉस्किटो मॉन्स्टर को कैप्चर करके जमीन पर गिरा देता है। दूसरी तरफ लिनसुआन तो वांगलिंग की ये बढ़ती हुई ताकत देखकर काफी जरा घबरा रहा था, वो नहीं जानता कि आखिर वांगलिंग किसी दिन उसका क्या हाल करेगा। दूसरी तरफ वांगलिंग यहाँ उस मॉस्किटो मॉन्स्टर के पास आकर एक तरह की फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उसे अपना पैड बनाने की कोशिश करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो मॉस्किटो मॉन्स्टर श्रिंक होकर काफी जरा छोटे साइज में बदल गया, जबकि साथ ही वो मॉस्किटो मॉन्स्टर अब वांगलिंग से दूर भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, यानी कि उसने वांगलिंग को अपने मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है, जिसकी वजह से वांगलिंग ने भी उसे कुछ स्पिरिचुअल कोर्स खाने को दे दिए थे। इन स्पिरिचुअल कोर्स को एब्सॉर्ब करते साथ ही अचानक उसका साइज इंक्रीज होने शुरू हो गया। दूसरी तरफ लिनसुआन को यह सब देखकर जेलसी फील हो रही थी, वो वांगलिंग से कहता है कि तुम मुझे स्पिरिचुअल कोर देते नहीं और देखो तो सही, तुमने इसे इतने ज्यादा क्यों दे दिए। पर असल में यही तो वांगलिंग की चाल थी, वो उसके साइज को इंक्रीज करवाना चाहता था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग फौरन से जंप करते उस मॉस्किटो के ऊपर खड़ा हो गया और वो वांगलिंग को आगे की ट्रैवल की तरफ ले जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहां वांगलिंग आखिरकार लियानमो सिटी के ब्लैक मार्केट में पहुंच गया था, साथ ही साथ उसने एक हुडी पहन ली थी ताकि कोई भी उसे पहचान ना पाए। वांगलिंग देखता है कि वहां पर मौजूद लोग ब्लैक मार्केट में एक दूसरे से चीजें स्पिरिचुअल स्टोन्स के बदले खरीद रहे थे, इसलिए वो भी स्टेज की तरफ जाते हुए सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि मुझे हाई क्वालिटी मैप चाहिए, जिसके बदले मैं तुम लोगों को 1000 मिडिल ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वहां पर मौजूद लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि एक हाई क्वालिटी मैप के लिए कम से कम तुम्हें हाई ग्रेड के 1000 स्टोन देने होंगे, वो भी शायद कम पड़ जाए, वरना उसके बगैर तो तुम्हारी किसी के साथ भी डील नहीं हो पाएगी, क्योंकि हाई क्वालिटी मैप काफी ज्यादा रेयर होते हैं। वांगलिंग उन सब की बातें सुनकर कहता है कि चलो ठीक है, मेरे पास एक और ऑफर है, क्या तुम लोगों ने आज से पहले कोई स्पेशल ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन देखा है? मैं तुम लोगों को एक स्पेशल ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन दूंगा। ये कहते साथ ही वांगलिंग ने स्पेशल ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन इन लोगों के सामने समन कर लिया, जहां पर कई सारे लोगों ने तो पहली दफा स्पिरिचुअल स्टोन को देखा, क्योंकि ये स्पेशल ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन बहुत ही ज्यादा रेयर है। यहाँ वांगलिंग इससे पहले कि वहां से जा पाता, तभी अचानक वांगलिंग के पीछे एक आदमी आकर खड़ा हो गया, जो कि वांगलिंग से कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास है और मुझे स्पेशल ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन के अलावा भी तुमसे एक और रिक्वेस्ट चाहिए, जो कहते साथ ही वो अनजान वॉरियर वांगलिंग के सामने हाई क्वालिटी मैप को समन भी कर लेता है। वांगलिंग देख पा रहा था कि उस मैप में टेलीपोर्टेशन अरे की लोकेशन मार्क थी, साथ ही साथ उसमें कुछ और डिटेल्स भी लिखी हुई थी, जैसे कि कौन सी जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। ये मैप वांगलिंग के काफी ज्यादा काम आ सकता था, इसलिए वो उस अनजान वॉरियर से सवाल करते हुए पूछता है कि बताओ आखिर तुम्हारी दूसरी रिक्वेस्ट क्या है, जिस पर वो अनजान वॉरियर जवाब देते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए किसी की जान ले लो। वांगलिंग सवाल करके पूछता है कि उस आदमी की आखिर कल्टीवेशन क्या है, जिस पर ये जवाब देते हुए बोलता है कि वो नैनशियन सोल लेवल की पीक पर है। वांगलिंग के लिए ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं था, इसलिए वो अनजान वॉरियर से कहता है कि ठीक है, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं तुम्हारी शर्त को मानने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ वांगलिंग उस अनजान वॉरियर को फॉलो करते करते एक जंगल में पहुंच चुका था और वो वॉरियर वांगलिंग से कहता है कि चलो तैयार हो जाओ, हम लोग अपने टारगेट के काफी जरा करीब पहुंच चुके हैं, हम दोनों मिलकर उस पर हमला करेंगे और उसे जान से मार
डालेंगे। जो कहते हैं वो वॉरियर जैसे पीछे की तरफ पलटता है तभी अचानक हम देखते हैं कि वांगली ने अपने ब्लडी थंडर का इस्तेमाल करते हुए फौरन से उस अनजान वॉरियर पर अटैक करके उसका एक हाथ काट दिया। साथ ही साथ वांगलिंग उससे वो मैप भी छीन लेता है। यहाँ ये देखकर तो वो अनजान वॉरियर गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो। लेकिन दूसरी तरफ वांगलिंग तो उसकी सारी चालाकियां पहले से ही जानता था। वो धीरे से कहता है कि जो भी पीछे छुपा हुआ है वो सब बाहर आ जाओ। वांगलिंग की ये बात सुनकर तो कई सारे लोग पीछे से वांगलिंग को घेर लेते हैं। दूसरी तरफ वो अनजान वॉरियर हैरान होते हुए वांगलिंग से सवाल करके पूछता है कि आखिर तुम्हें कब मालूम हुआ कि मैं कुछ लोगों के साथ मिलकर तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि बिल्कुल शुरू से। ये सुनकर तो वो अनजान वॉरियर हंसते हुए कहता है कि अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग ब्लैक मार्केट से काफी दूर आ चुके हैं। अब तुम यहाँ से नहीं बच कर जा सकते, हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। यहाँ इससे पहले कि वो अनजान वॉरियर अपने साथियों को हमला करने का हुक्म दे पाता, वांगलिंग ने अपने डेथ स्पेल का इस्तेमाल करते हुए उसे एक ही झटके में जान से मार डाला। साथ ही साथ वांगलिंग अपने पीछे मौजूद उन बाकी के सब वॉरियर्स को भी एक ही सेकंड में खत्म कर देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग ने उन सबके स्टोरेज बैग उनसे छीन लिए थे। इस स्टोरेज बैग में वांगलिंग को एक कीमती वेपन मिल जाता है जो कि एक मियान थी। वांगलिंग को इसकी एनर्जी काफी ज्यादा बेहतर महसूस हो रही थी, इसलिए हम देखते हैं कि उसने अपने फ्लाइंग वेपन को उसके अंदर रखने की कोशिश की। लेकिन उस मियान में तो काफी ज्यादा किलिंग एनर्जी थी जिसे देखकर तो वांगलिंग सरप्राइज हो गया। उसे समझ नहीं आता कि आखिर इस मियान में इतनी ज्यादा किलिंग एनर्जी आई कहां से। फिलहाल तो वांगलिंग उसे वापस से अपने पास रख लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग ने यहां पर उन दोनों मैप्स को कंबाइन करके देखना शुरू कर दिया ताकि वो पता लगा सके कि इन दोनों मैप में से कौन सा मैप असली और कौन सा नकली है। एक मैप तो उससे कियो से मिला था और दूसरा इस अनजान वॉरियर से। पर यहां दोनों को कंपेयर करके उससे मालूम हो जाता है कि दोनों ही असली है, यानी कि वांगलिंग को आखिरकार उस टेलीपोर्टेशन अरे की एग्जैक्ट लोकेशन मिल चुकी थी जिसका इस्तेमाल करते हुए वो वापस से अपनी जाओ कंट्री जा पाएगा। यहां ये देखकर तो वांगलिंग काफी ज़रा खुश हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहां वांगलिंग आखिरकार उस टेलीपोर्टेशन अरे के सामने पहुंच गया था, जहां पर वांगलिंग ने स्पेशल ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन्स का इस्तेमाल करते हुए उस टेलीपोर्टेशन अरे को एक्टिवेट कर लिया और धीरे धीरे वो इस टेलीपोर्टेशन अरे की तरफ बढ़ने शुरू हो जाता है। वांगलिंग आज पूरे 400 साल बाद एक बार फिर से वापस अपने जाओ किंगडम जा रहा था। उसे अपने वांग फैमिली की याद आ रही थी कि कैसे उसने अपनी पूरी फैमिली और अपने पेरेंट्स को खो दिया। ये सारी यादें उसमें एक बार फिर से बदले की आग जला देती है और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं आ रहा हूँ। वांगलिंग के इसी गुस्से के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।